अस्सलाम वालेकुम जुले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो अभी मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल। मैं इस ऊपर वाले गेट से आई क्योंकि नीचे से बंद है। ओके सो मैं ऊपर जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सेकंड फ्लोर में मुझे जाना है क्योंकि मुझे एक्चुअली जाना है इम्यूनाइजेशन सेक्शन में। वहाँ पर वैक्सीनेशन का कुछ पूछना है मेरे भतीजे के लिए। सो मैं उसी तरफ जा रही हूँ एंड यहाँ से आपका इम्यूनाइजेशन सेक्शन हॉल। ठीक है सो ये रहा इम्यूनाइजेशन सेक्शन। अब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ, पहले इम्यूनाइजेशन सेक्शन ये था ओल्ड बिल्डिंग में, जहाँ पे डेंटल ओपीडी या जो एक्सरे सेक्शन है उसके बगल में होता था। लेकिन अब वहाँ से शिफ्ट होके ये इस वाले बिल्डिंग में है जहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर वाला बिल्डिंग है एंड जहाँ पे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट वाला फ्लोर है शायद उसी में है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन के लिए लाते हैं तो आप पुराने बिल्डिंग में ना जाएं। अगर आप कभी गए हो वहाँ पे तो वहाँ पे बंद ही होगा, तो आप लोग आ जाइए इस नए बिल्डिंग में, इस ट्रेनिंग हॉल में। बाहर लिखा भी हुआ है इम्यूनाइजेशन सेक्शन। यहाँ पर है मैम मासूमा, सिस्टर मासूमा, सिस्टर जहरा खातून, सिस्टर दवा डोलमा और सिस्टर सुल्तम जंगमो। यहाँ पे मैंने इनसे बात की, इनसे पूछा कि इम्यूनाइजेशन अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आप करा रहे कि नहीं, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन जैसे पहले करते थे वैसे ही। उनका जैसे रोस्टर होता है बच्चों का, वैक्सीनेशन कार्ड होता है, उस पर लिखा होता है कि इस डेट को वैक्सीन किया तो अब इतने महीने बाद करना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ला सकते हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि अभी लॉकडाउन है तो आप अपने बच्चों को इम्यूनाइज नहीं कर सकते, वैसा कोई सीन नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को उनके वैक्सीनेशन कार्ड के एंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैम मासूमा, मैम जहरा खातून, मैम डोलमा एंड मैम जंगमो अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं विथ मास्क एंड उनको प्रॉपर यू नो प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीनेट करते हैं। आप भी अपने बच्चों को लाइए, वैक्सीन कराइए एंड बहुत सारे बीमारियों से बचाइए। खुदा हाफ़िज़।